नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। नई सुबह कुकिंग ट्यूटोरियल्स में खुशामदीद, मैं हूं फिजा हुसैन। और हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट पार्ट 2। और आज हम इसमें सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू कॉन्डिमेंट्स। हमारे टॉपिक के पार्ट 1 में हमने आपको बताया कि स्पाइस यानी मसाले हमारे खानों को एक मखसूस शनाख्त देते हैं और हमारे खानों को जायकेदार और मज़ेदार बना देते हैं। अब हम जानते हैं कि कॉन्डिमेंट्स क्या हैं। कॉन्डिमेंट्स हमारे खानों का मज़ा दुबाला कर देते हैं, यानी हमारे मज़ेदार से खानों को और चार चांद लगाते हैं कॉन्डिमेंट्स। मिसाल के तौर पे दाल चावल के साथ अचार दाल चावल का मज़ा दुबाला कर देता है। इसी तरह बिरयानी के साथ रायता और चटनी और बर्गर और फ्राइज़ के साथ केचप और मेयोनीज़ इनके मज़े को दुबाला कर देते हैं। इस तरह के तमाम प्रोडक्ट्स यानी अचार चटनी केचप मेयोनीज़ वगैरह कॉन्डिमेंट्स कहलाते हैं, जो हमारे खाने के मज़े को दुबाला करते हैं। तो आइए जानते हैं कॉन्डिमेंट्स के नाम। 1. अचार 2. चटनी 3. केचप 4. मेयोनीज़ 5. चिली गार्लिक सॉस 6. चिली सॉस 7. सोया सॉस 8. विनेगर 9. चिकन स्प्रेड 10. मस्टर्ड पेस्ट 11. एप्पल जाम और मार्मलेड 12. ऑस्टर सॉस 13. वॉर्चेस्टर सॉस 14. एचपी सॉस 15. मुरब्बा जात। ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स पार्ट 2। उम्मीद है आपने हमारे इस टॉपिक से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं आपसे किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।